तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब मैं जर्मनी आई तो मुझे यहाँ पे क्या क्या कल्चर शॉक्स लगे। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि हर जगह के अलग अलग कल्चर होते हैं, हमारा इंडिया ही इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतने सारे कल्चर्स हैं और इतने अलग अलग होते हैं वो सारे कल्चर्स एक दूसरे से। तो आप सोच लो कि जो जर्मनी है वो तो मतलब एक अलग ही कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में मतलब जैसे आ जाता है, तो यहाँ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कल्चर है इंडिया से। तो फिर इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी क्या यहाँ पे मतलब इंडिया से एकदम जो अलग कल्चर हमने देखने को मिला हमें, और क्या हमारे साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह हुए, स्टोरीज बताऊंगी मैं आपको जो हमारे साथ हुई और जिनके मतलब जिनकी वजह से हमको ऐसे झटके लगे कि हैं ऐसे भी होता है, ताकि जब आप अगर यहाँ आएँ तो आप एक तो मेंटली प्रिपेयर होके आएँ कि अच्छा ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, या फिर जैसे अगर आप सिर्फ इंडिया से ही जानना चाहते हैं कि कितना अलग है यूरोप का और जर्मनी का कल्चर इंडिया से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा कल्चर शॉक मुझे यहाँ पे आके लगा था, जो कि मैंने पर्सनली फील किया और वो एक बहुत ही बड़ा झटका था मेरे लिए, वो मैं आपके साथ में मतलब शेयर करना चाहती हूँ, वो इंसिडेंट्स। तो यहाँ पे मतलब क्या है ना, आप सुनोगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा, बट यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में तो भाई शादी होती है पहले और फिर उसके बाद में बच्चे होते हैं, है ना। अगर पहले शादी से पहले बच्चे हो जाए तो मतलब आपको पता ही है समाज में क्या हो जाता है, बट यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, उसको ऐसे मतलब कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि क्या तूफान आ गया है। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद में उनके बच्चे हो जाते हैं और फिर मतलब कई कई सालों बाद में वो शादी करते हैं। तो ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ऑफिस में। तो मैं जब यहाँ पे ऑफिस में जाने लगी थी तो मेरी एक सीनियर कलीग हैं, उनकी ना 2 बेटियाँ हैं और मतलब काफ़ी महीनों से वो हमारे साथ में काम कर ही रही थी। फिर एक दिन सडनली मुझे पता चलता है कि है ना उनकी शादी हो रही है, और वो मुझे इतना बड़ा शौक लगा, मैंने ना ऐसे अजीब से एक्सप्रेशन भी दे दिए थे कि हैं उनकी तो 2 बेटियां हैं ना, लेकिन मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट हमको यही लगा था कि अच्छा 2 इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, मतलब शादी हो रखी होगी, वो काफ़ी सीनियर थी। तो मतलब वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका था कि इतनी ज़्यादा उनकी एज हो गई है, इतनी बड़ी उनकी बेटियां हो गई हैं और वो पहली बार शादी कर रही थी। तो ये यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा झटका था जो मुझे लगा कल्चर से रिलेटेड। तो इसी वाले कल्चर शॉक से रिलेट करती हूँ मैं जो नेक्स्ट वाला कल्चर शॉक मुझे लगा वो। तो हमने जैसे मूवीज़ वगैरह में ये तो बहुत ही देख रखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लिव इन रिलेशनशिप होना, या फिर जैसे जो बच्चे होते हैं उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं उनको लेके वो अपने पेरेंट्स के सामने काफ़ी ओपन होते हैं और काफ़ी कैजुअली बात करते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, और जैसे बड़े होने के बाद में वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी मेंटली प्रिपेयर थी और मतलब ये बहुत नॉर्मल भी यहाँ पे, जैसे बहुत सारे मेरे जान पहचान में हैं वो मतलब नॉर्मली अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में रह रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज ऐसा ही है यहाँ पे। बट जो मुझे झटका जिस बात का लगा वो ये है कि यहाँ पे जितने कैजुअल बच्चे हैं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके पेरेंट्स के सामने, उतने ही कैजुअल पेरेंट्स भी हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेके बच्चों के सामने। तो यहाँ पे मैंने कुछ फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जैसे जिनमें अगर पेरेंट्स की अगर फर्स्ट मैरिज वर्कआउट नहीं करी और अब अगर वो सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हैं, तो ऑफकोर्स वो लाइफ में मूव ऑन कर चुके होते हैं और उनको मतलब दूसरे उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहाँ पर मतलब वो बच्चे मतलब इतनी कैजुअली बोल रहे होते हैं, आज मेरी मम्मी अपने बॉयफ्रेंड के घर गई हुई, आज मेरे पापा अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए हुए, अपनी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहते। तो ये मतलब ऐसे सुनने में इतना ऐसे अजीब लगता है कि पापा मम्मी के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पे मतलब आपको लग सकता है जब आप यहाँ आओगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे मुझे कल्चर शॉक लगा वो ये कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पे बाहर खाने गई, तो जैसे हमारे इंडिया में तो हम लोग जैसे अगर 4-5 लोग बाहर खाने जाते हैं तो जैसे हम एक दूसरे से पूछते हैं कि आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है, उसके बाद में सारे लोग मिल के अपना खाना मंगवा लेते हैं और फिर सब एक दूसरे की प्लेट में से खाते हैं और पूरा जैसे मिल बांट के खाते हो कि पाव भाजी भी आ गई, मंचूरियन भी आ गया, चाउमीन भी आ गया और सबको सब खाने को मिल गया। यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे आप जैसे अगर रेस्टोरेंट में जाओगे जर्मन्स वगैरह के साथ में तो वो अपना अपना खाना ऑर्डर करेंगे। बहुत बारी तो ऐसे होता है कि 4 एक ही जैसे पिज्ज़ा आ रहे और सब बैठ के बस अपना अपना पिज्ज़ा खा रहे, कोई मतलब अगर छूट रहा है किसी का, अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो वो छूट जाए, ऐसा नहीं है कि दूसरे की प्लेट से लेके भी खा लिया। वो मतलब इतना बड़ा झटका था मेरे लिए कि ये क्या ऐसे मतलब बैठ के बस अपना खाना, एक ही डिश मंगवाओ और उसको खा के फिर अपना घर जाओ और फिर उसके टाइम पे
जैसे वहाँ पे फिर आप जैसे अगर बिल बिल देने के लिए मंगवाते हो तो यहाँ पे जैसे चलो फ्रेंड्स में तो बिल स्प्लिटिंग होती है कि अपना अपना सब पे करते हैं, बट यहाँ पे जो एक जो बहुत बड़ा झटका मुझे ये लगा कि भाई यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ भी बिल स्प्लिट करते हैं। जैसे हमारे तो इंडिया में शादी हो गई, उसके बाद में जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, सचिन पैसे दे मैं दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जर्मन्स में मतलब पूरा एकदम एक एक चीज़ डिवाइड होती है। तो जब जैसे हस्बैंड वाइफ भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हुए होते हैं तो दो बिल आ रहे होते हैं और दोनों अपना अपना कार्ड निकाल के अपना पे करते हैं, और अगर नहीं भी उस टाइम पे कर पाते तो वो लिख लेते हैं कि अच्छा तूने मेरा इतना दिया, बाद में मुझे वापस दे देना। सोचो ये कितने बड़े झटके हैं यहाँ पे। और बाकी मतलब जो सबसे बड़ा झटका तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना बेसिकली कोई कल्चर ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो देखा है कि जैसे हमारे इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा होता है कि है ना, एक अगर कोई रिलीजन को आप मानते हो तो उसको मान रहे होते हो, या फिर जो हमारे जो कल्चर हैं, जो समाज क्या बोलेगा और समाज में ऐसे होता है वैसे होता है, उसको लेके हम लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सब अपने मर्जी के मालिक हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अब मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रिलीजन में और गॉड में भी इतना बिलीव नहीं करते। बहुत सालों पहले यहाँ पे भी वो सब था कि भगवान को मानना वगैरह, बट अब ये लोग उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे आ चुके हैं, और जो अब की जनरेशन है वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब नहीं है। सोसाइटी का प्रेशर, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों में यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब अपनी मतलब जो अपनी ज़िंदगी की धुन में है, उनको जो करना होता है वो करते हैं। और बाकी यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे ये जो मैं बता रही हूँ आपको चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सारा सब कुछ सब करते ही हैं। ये मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग करते हैं, हर चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होते। और दूसरा, मैं यहाँ पे कोई चीज़ को प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ और ना मैं शेम कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो नेक्स्ट कल्चर शॉक हमको यहाँ पे लगा वो तो मतलब बहुत ही बड़ा झटका था, और वो यूजुअली आपको लगेगा जब जैसे आप यहाँ पे अगर जिम में जाओगे या फिर जो स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, सोनास वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, और ये वाला करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो दिमाग से एकदम प्रिपेयर होके आना इसके लिए, क्योंकि हमको तो अभी तक इस चीज़ की आदत नहीं हुई है। वो ये है कि यहाँ पे जो जिम्स या फिर जो पूल्स वगैरह के शावर्स होते हैं उनमें मोस्टली मतलब 80% जो शावर्स होंगे उनमें कोई भी दरवाज़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे कोई दरवाज़ा नहीं है और सब बस एकदम बढ़िया एक दूसरे के सामने नहा रहे होते हैं। और सेकेंडली जैसे जो सोनास वगैरह होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सोना ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बस कुछ कपड़ा पहन के जाना अलाउड नहीं है। तो एक बार हमारे साथ में ऐसा था कि हम जैसे ये वाटर पार्क और ये सोना वाले रिजॉर्ट में गए थे, और वहाँ पे मतलब इतना बड़ा हमको झटका लगा, मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। कई की जैसे पूल में हम जाने की कोशिश कर रहे तो हमको मना कर दे रहे हैं कि आप कपड़े पहन के नहीं जा सकते, फिर हम जा ही नहीं पा रहे। सोना के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे तो वहाँ से हमको भगा दे रहे हैं कि कपड़े पहन के निकल लो यहाँ से, मतलब लिटरली भगा देते हैं वो आपको कि निकलो यहाँ से। तो मतलब ये बहुत ही एक अजीब चीज़ है यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दरवाजे मिलेंगे नहीं, हम जैसे लोगों के लिए एक दो उन्होंने बाथरूम ऐसे बनाए होते हैं जिनमें दरवाजे होते हैं, वहाँ पे जाके आप शावर ले सकते हो। कुछ सोनास वगैरह होते हैं जिनमें आप जैसे अपना टाल वगैरह लेके जा सकते हो, बट ये मतलब एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक है यहाँ पे, जो ये क्या बोलूँ इसके लिए, समझ गए आप। उसके बाद में जो नेक्स्ट कल्चर शॉक आपको यहाँ पे लगेगा वो ये है कि जैसे हमारे इंडिया में अगर शादी का न्योता आता है तो जैसे अगर रात को शादी में जाना है तो सुबह ही पूरा खानदान खाना नहीं खाता कि रात को जाके शादी में खाना है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा छोटी शादियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हमारी तरह खर्चे नहीं करते हैं, 4 दिन तक शादी नहीं चल रही होती है, एक छोटा सा फंक्शन होता है और उसमें बहुत ही क्लोज अपने लोगों को बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानती हूँ तो आ जाना मेरी शादी में, या मेरे भाई की शादी है, या मेरे चाचा के बेटे की शादी है आ जाना, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। बहुत बारी ऐसे होगा कि आपके मतलब जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बता रहे होंगे कि मेरी इस तारीख को शादी है, और वो आगे आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई आ जाना इनवाइटेड है। तो इस चीज़ से आप मतलब प्रिपेयर्ड रहना कि यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को बुलाते हैं, और खाने के भी जैसे हमारे नहीं होते कि मतलब 50 तरह की तो मिठाइयाँ थी सिर्फ, वैसा भी यहाँ पे नहीं होता, बहुत ही कम और लिमिटेड खाना होता है। तो बेसिकली शादी पे यहाँ पे जैसे हम खर्चा करते हैं वैसे नहीं करते हैं। फिर जो नेक्स्ट कल्चर से रिलेटेड डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा है वो ये है कि यहाँ पे ना जैसे बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे की लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं है कि पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, और पेरेंट्स को भी इतना मतलब नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ तो जैसे होता है ना कि फंक्शंस वगैरह होते हैं या फिर जैसे त्यौहार वगैरह होते हैं तो पूरी फैमिली गैदरिंग होती ही होती है, वैसा भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर कोई भी अगर आपका फेस्टिवल है तो
बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चे अपना ट्रैवल पे निकल गए हैं फ्रेंड्स के साथ में, या फिर जैसे अगर पूरा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप आओ तो ही पार पड़ेगी, या फिर नहीं अगर जैसे चाचा मामाओं से वगैरह से आप बात करते रहो, हालचाल पूछते रहो, वैसा इतना ज़्यादा यहाँ पे कल्चर नहीं है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है इंडिया से। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हम इंडिया में जैसे अगर किसी का बर्थडे होता है तो उसको एडवांस बर्थडे विश कर दो, बिलेटेड कर दो, जब मर्जी विश कर दो, है ना, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि आप उनको एडवांस में बर्थडे विश नहीं करें, वो उसको एकदम बैड लक मानते हैं। तो आप अगर यहाँ आएँ तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आप किसी को भी एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश नहीं करें। फिर जो नेक्स्ट कल्चर डिफरेंस हमको यहाँ पे लगा, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी ये शायद मेरा पर्सनल थोड़ा ज़्यादा बड़ा शौक हो सकता है, बाकी जैसे आप लोगों में से बहुत सारों के लिए ये ना हो, वो है अल्कोहल से रिलेटेड। तो जैसे हमारे साइड तो भैया अल्कोहल को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, और हमारी फैमिली में मतलब बिल्कुल इस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता कि आप ड्रिंक करें। तो जब मैं यहाँ आई और मैंने जो मतलब ऐसे देखा कि जैसे पेरेंट्स और बच्चे जो एक साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो इतना जो कैजुअली लेते हैं ड्रिंकिंग को, या फिर जैसे आप यहाँ पे किसी के घर जाते हो तो आपको जाते ही सबसे पहले मतलब बियर पियोगे, वाइन पियोगे, ऐसे पूछ लिया जाता है, वो भी मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक कल्चर शॉक था। बट हाँ, ये जैसे बहुत, ये तो अगेन जैसे डिपेंड करता है कि फैमिलीज में, इंडिया में भी बहुत कुछ फैमिलीज में कॉमन होती है ये चीज़। फिर जो एक जो कल्चर शॉक मुझे यहाँ पे आके लगा था, वो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट मतलब ये है ना थोड़ा सा मेरे घर वालों के लिए थोड़ा बड़ा झटका भी लगा था उनको ये जान के। तो ये क्या, जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग जैसे घर के लिए शॉपिंग करने गए थे तो डबल बेड के लिए मैं डबल जो बेड वाली ब्लैंकेट होती है वो ढूंढती, और मतलब इतने ढूंढने के बाद में भी वो मिली नहीं। तो सचिन ने मुझे बताया कि यहाँ पे डबल बेड वाली ब्लैंकेट का कल्चर नहीं है, जर्मन्स काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपनी ब्लैंकेट को लेके, तो यहाँ पे मोस्टली सिंगल ब्लैंकेट जो होती है ना सिंगल बेड वाली वही यूज़ करते हैं, और हस्बैंड वाइफ बच्चे सब अपनी अपनी ब्लैंकेट जैसे अपना अपना खाना खाते हैं ना वैसे अपनी अपनी ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। तो हम लोग वैसे लेके आ गए। उसके बाद में जब मैं एक दिन अपने घर पे ऐसे हाउस टूर दे रही थी घर वालों को, तो जब मैं अपना बेडरूम दिखा रही थी उनको, तो मेरे घर वाले भी शौक थे कि क्योंकि हम लोग दो अलग अलग कलर की लेके आए, तो वो कहते हैं तुम ऐसे दो सिंगल बेड की ब्लैंकेट क्यों लेके आए हो। बट यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है, जैसे बहुत बारी हम ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं कि पाँच है ना पापा मम्मी बच्चे वगैरह बैठे हुए और पाँच एक ही टाइप के पिज्ज़ा मंगवा के खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही है कि जो मेरा है वो बस मेरा अपना ही है, यहाँ पे शेयरिंग इज़ केयरिंग नहीं है। और जो नेक्स्ट कल्चर शॉक यहाँ पे मुझे लगा था वो ये है कि यहाँ पे ना मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसे ग्रीटिंग्स का कल्चर है। तो आप रोड पे चलते हुए जा रहे हो, सामने से कोई भी आ गया आपको दिख गया मतलब, तो कैजुअली अगर आपका आई कांटेक्ट हो गया तो आपको जैसे स्माइल करके हाय हेलो करना ही पड़ता है, चाहे आप उसको जानो या ना जानो। तो इंडिया में तो आप बिल्कुल ऐसे रोड चलते को मतलब स्माइल अगर करने लग जाओ तो इमेजिन कर लो क्या होगा। तो वही आदत मुझे थी कि मुझसे इतना मतलब आदत में नहीं था मेरे कि मैं ऐसे कोई भी अगर जा रहा हो तो उसको स्माइल करती रहूं और ऐसे हाय हेलो करती रहूं। तो शुरू में तो सचिन को मुझे आए दिन याद दिलाना पड़ता था कि तुमने उसको हाय नहीं किया, तुमने उसको हेलो नहीं किया, तुमने उसको रूड लुक दिया। लेकिन अब मतलब मुझे आदत हो गई है और इसीलिए शायद इतनी स्माइल करने की आदत हो गई है कि वीडियो में भी मैं स्माइल करती रहती हूं और आप लोग मुझे कहते रहते हो कि आप स्माइल क्यों करते रहते हो सारे दिन। तो अब आपको पता है मैं स्माइल क्यों करती रहती हूं सारे दिन। और बाकी ये वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो कल्चर डिफरेंसेस हैं, जो कुछ कल्चर शॉक्स हैं, वो आपको जानना अच्छा लगा हो। अगर आपके जान पहचान में किसी के साथ में अगर आप ये शेयर करना चाहते हो वीडियो, तो आप उनके साथ में शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए जर्मन कल्चर के बारे में। और अगर कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली में आपके जर्मनी आ रहे हैं तो उसके साथ तो पक्का शेयर कर ही दो कि भैया देख लो और ऐसे समझ के जाना जर्मनी ताकि झटके नहीं लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आया मतलब ऐसे अपना एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही आपको और वीडियोस देखने हैं तो आप बताइए कमेंट में किसके बारे में हम वीडियो बनाएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने आगे के वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।